इतना बन ठन के सब्जी खरीदने आई हो ना, इस कुत्ते के डर से भाग गई थी तो बीमू जी गई है लाने के लिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं हूँ बीमू। मैं हूँ विकास। और स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बीमला विकास ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों देखिए, अभी सुबह सुबह यहाँ पे हम गेहूँ कुटा के ले आए हैं और अभी इसको ले चलते हैं ऊपर सुखाने के लिए। अभी इसको छटा के लाए क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया था, आप लोग देखे थे पहले। भारी लग रहा है, उसको पसारो चटाई को जल्दी से। इस चटाई पे हम पसारेंगे। तो कल वाले ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। हाँ, कल हम काफी अच्छे ब्लॉग डाले थे, जो लोग नहीं देखे हाथ जोड़ के बोलते हैं कल वाला ब्लॉग मिस मत कीजिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग था। देखिए कितना गोरा हो गया हमारा गेहूँ ना छांटने के बाद। हटिए, आपसे नहीं होगा हम कर लेते हैं। जूता को फटकना पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग जूता उड़ रहा है, दिख रहा है ये ब्लॉग। देख वीडियो खत्म होते होते इसी स्क्रीन पे देखेगा, मिल जाएगा। हाँ, शंभुनाथ बाबा का दर्शन किए थे आज से एक साल पहले और काफी अच्छा वीडियो बना था वो, जो लोग देखे काफी प्यार दिए हैं। तो आप लोग भी देखिएगा उस ब्लॉग को इस वीडियो के देखने के बाद। तो फटाफट से इसको पहले सुखा देते हैं, है ना जी? इसको हाँ फटकना पड़ेगा, इसमें बहुत गुंडा है। हाँ, इसको शाम को ना अभी इसको रौदा लगने देते हैं धूप, शाम को एक बार फटकेंगे, फिर इसको कल सुखाएंगे, फिर एक बार फटक के तब रख देंगे। हाँ। क्योंकि ना दोस्तों देखिए, अब ना इसमें एक भी कीड़ा नहीं है, दिख रहा है सूड़ा आपको। दोस्तों क्या आप सभी कमाना चाहते हैं हर हफ्ते 200 रुपए? तो आप लोगों के लिए एक मौका है, उबली ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। उबली ऐप पे कुछ सवालों का जवाब दीजिए और रजिस्टर कीजिए और कमाइए दोस्तों उबली कॉइन्स। तो अगर आप लोग उबली ऐप पे पहली बार रजिस्टर करते हैं तो आप सबको मिलता है 5000 उबली कॉइन्स। इस कॉइन्स को दोस्तों आप लोग परचेस के समय रिडीम भी कर सकते हैं। इस ऐप पे दोस्तों आप लोग बस 5 वीडियो देखिए और कमाइए 5000 उबली कॉइन्स, जो कि दोस्तों इंडियन रुपीज 50 रुपए के बराबर है। पहले ही दिन दोस्तों आप लोग यहां पे अर्न करेंगे 1000 कॉइन्स और दूसरे तीसरे और चौथे दिन आप लोग अर्न करोगे 1500 कॉइन्स, पांचवे दिन अर्न कर पाओगे 2000 कॉइन्स, छठे और सातवे दिन आप लोग अर्न कर पाओगे 2500 कॉइन्स, यानी कि टोटल मिला के 15000 कॉइन्स। दोस्तों आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि हर एक परचेस पे आप लोग कमा सकते हैं 5000 कॉइन्स, है ना दोस्तों, बहुत कमाल की बात। दोस्तों जाइए जल्दी से अपने फेवरेट प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए और एड कीजिए अपना कोड और अप्लाई कीजिए कॉइन्स को। दोस्तों आप लोग भी अपना पैसे बचाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, रजिस्टर कीजिए और कमाइए ढेर सारे पैसे। इस वीडियो के अंत में आपको बहुत जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो का आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों इसको अभी हम पसार दिए और नीचे जाएंगे, अभी नीचे से बार बार हमको 5-10 मिनट में आके इसको देखना पड़ेगा और इसको ऐसे चलाना पड़ेगा ताकि चारों साइड धूप लगे और कबूतर ना आए, नहीं तो कबूतर आएगा तो सारा खा जाएगा। जब तक ये यहाँ पे सूखते हैं हमको आज टॉयलेट भी कम्प्लीट कर लेना है। टॉयलेट बन चुका है दोस्तों ना बीमू जी? टॉयलेट हमारा जम चुका है, मतलब 2 दिन के अंदर हम कर लिए हैं, सूख भी चुका है। अब इसको सफाई कर लेंगे और गली जो है ना पैसेज उसको भी साफ सफाई करके आप सबको दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपना टॉयलेट तैयार किए हैं। A few moments later। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं, सुहाना स्कूल से आ गई है और मैं तैयार हुई हूँ। मैं सुहाना के पापा दोनों तैयार हुए थे मार्केट जाने के लिए, सब्जी वगैरह लाना है इसलिए, और अभी उस साइड में टॉयलेट जो बना है सुहाना का पापा वो देखने गए है। और अभी सुहाना को ड्रेस खुलवाते हैं, नाश्ता वास्ता करवाते हैं, फिर चलेंगे हम मार्केट, ठीक है? चलोगी ना आप? जाओगी ना? नहीं है दोस्तों यहाँ से ना 1 किलोमीटर है बाजार, सुहाना जाना नहीं चाहती है, पैर दुख जाता है ना बेटा चलते चलते, बड़े लोग का भी दुख जाता है। तो अभी देखते हैं सुहाना रहेगी कि जाएगी, तो पहले सुहाना को खिलाते उलाते हैं और आपके पापा को देखते हैं क्या कर रहे हैं। बेटा क्या ये? हाँ। देखिए सुहाना ना शर्ट का बटन खुद से खोल लेती है, बस ये खोलना नहीं आता ना। इधर 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 करो इधर। हाँ तो सुहाना को ना जो काम मतलब खुद से करना आ जाता है वो किसी को करने नहीं देती है, जैसे कि ये बटन सुहाना को ना खुद से लगाना और खोलना आ जाता है तो किसी को नहीं लगाने देती, खुद से खोलती है। और स्कूल जाते वक्त ना खुद से वो बटन लगाती भी है ना बेटा, आता था आपको लगाना? चलो ये नहीं, हाँ ये नहीं आता है तो ये मम्मा खोल दिए, तो अभी आप ये खोल लो, आपको मैं पेंट दे देती हूँ, फिर चलेंगे पापा को देखने। तो मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे सुहाना के पापा है, क्या कर रहे हैं जी? अपना टॉयलेट बन गया? बन गया। हाँ। पूरा तैयार हो गया। हाँ।
बस अब इसी गली को सफाई करना है और कुछ पानी वगैरह जाम हो गया है तो उसको भी ठीक करना है। बहुत गंदा है ना, उसको अंदर रख दीजिए। उसको छत पे रख देते हैं तो उसके, हाँ उसके सीढ़ी वाले घर के ऊपर। ठीक है, चलेंगे ना अभी मार्केट, सब भी कुछ भी नहीं है। हाँ चलते हैं, हो गया। अभी हम लोग तैयार हुए थे मार्केट ही चलने के लिए, फिर सुहाना को सोचे कि सुहाना को आने देते हैं फिर चलेंगे ना। सुहाना अभी आ गए, सुहाना लेकिन बोल रही नहीं जाऊँगी। ठीक है, उसको खाना खिला दीजिए। हाँ नाश्ता करा देते हैं और सुहाना को पढ़ने के लिए बोले तब तक नहीं, सुहाना तब तक खेलेगी यहाँ को, यहाँ पे हम दीदी को बोल देंगे देखने के लिए। बीमू इतना बन ठन के सब्जी खरीदने आई हो क्या लेगी? सब्जी 70 रुपये। 70 रुपये गोभी? बापरे, यहाँ पे आ गए हम लोग भिंडी लेने के लिए। काफी हरा हरा भिंडी है यहाँ पे। बीमू आपकी हेमोग्लोबिन कम है ना ब्लड में, तो कोई ऐसा सब्जी लो जिससे हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट से बढ़े। पालक भी काम करता है, हाँ पालक का पानी पिया करो। आप लोगों ने काफी गाइड की है दोस्तों हमें, कि मतलब क्या क्या खाना चाहिए प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो देखते हैं खा के भी ट्राई करते हैं। बीमू कमेंट आया था कि हमें टमाटर भी खाना चाहिए, खास करके आपको, तो ले लो टमाटर जितना भी मिलता है यहाँ पे। हाँ जितना मिलता है सारे ले ले। हाँ सारे ले, तो कितना सारा यहाँ पे टमाटर है ना, हमने ले लिए हैं, शॉपिंग कर लिए हैं, हमारा सब्जी है ना बीमू जी, हमने शॉपिंग चलते हैं घर। हाँ और लगा था कि शाम ना हो जाए क्योंकि सुहाना को छोड़ के आए। शाम तो हो गया ना, नहीं तो रात नहीं हुआ है। सुहाना इस कुत्ते के डर से भाग गई थी तो बीमू जी गई है लाने के लिए। बू 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 बू, देखिए कुत्ता कितना डेंजर है दोस्तों, देखिए देखिए ले। इस कुत्ते को शूट करने लगे तो भाग जाते हैं। क्या हुआ? तो क्यों भाग गई थी आप? डर लग रहा था जैकी के डर से। तो इसके सीधा अंदर, बहुत अंदर जाके हम टॉयलेट रेडी कर लिए हैं दोस्तों, आपको कल सुबह दिखाएंगे ना बीमू जी। अभी तो शाम हो गई है तो हम कल दिखाएंगे, ठीक है? तो गुड नाइट दोस्तों, अच्छे से सोइएगा और मिलते हैं सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वहाँ देखिए बीमू जी नहाने के लिए पानी भर रही है, और जो मेरा काम है सुबह का वो कर लेता हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और ये वीडियो आज ही एडिट करके आज ही यूट्यूब पे डालना है ना, इसलिए फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले निकलेंगे घर से बाहर और आपको दिखाएंगे हम टॉयलेट कहाँ बनाए हैं, तो आ जाइए दोस्तों। पूरा अंधेरा लग रहा है ना, जैसे कि घोस्ट हो, भूतिया जैसा लग रहा है ना। और रात को यहाँ पे आवाज़ भी आता है दोस्तों, सच्ची बता रहे हैं। हम लोगों के पास अगर कोई मशीन होता ना घोस्ट चेकिंग करने वाला, तो हम करते। रात को 12 बजे सोए हैं, यहाँ से अजीब अजीब सा आवाज़ आ रहा था। आइए आपको दिखा दें, थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन अंदर चलते चलिए। ओहो देखिए दोस्तों, ये वाला साइकिल दिख रहा हो क्या आपको? आइए और अंदर चलते हैं, देखिए वहाँ पे अभी भी नहीं दिख रहा वो, देख सकते हैं दोस्तों। मैं जूम करके वो दिखाता हूँ, देखिए वो जो साइकिल है, वो साइकिल के जस्ट उस बगल में देखिए गेट लगा हुआ है छोटा सा, वो भी खुला हुआ है, और वही है देखिए ये वाला, ये यही है जो टॉयलेट बना लिए हम, और यही रास्ते से हम जाएंगे। और यहाँ पे जो है चैम्बर है, और देखिए कितना पानी निकल चुका है यहाँ पे। वहाँ पे है टॉयलेट और यहाँ पे है चैम्बर, जो कि नलका का पानी, बाथरूम का पानी जिस पाइप से होते गुजरता है ना दोस्तों, बाहर निकलता है। वो पाइप शायद जाम हो गया है तो पानी यहीं पे लीक कर रहा है, तो हमें उसके भी सफाई करना होगा। तो ये सब देखिए, ये सारा सफाई करना है, थोड़ा सा कचरा वचरा रह गया यहाँ पे, सारे को नीट एंड क्लीन कर देंगे। और अपना घर बनेगा ना दोस्तों ऊपर, पिलर जो है ना यहीं से उठेगा नीचे से, थोड़ा खर्चा लगेगा और देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे अपना चैम्बर है, देखिए इस पोल के पास चैम्बर है, इसको भी खोलना होगा और इसके अंदर रॉड घिसाकर सफाई करना होगा। यही है वो चैम्बर जहाँ पे हमें खुदाई करना है, और फिर यहाँ से रॉड घुसा के ये करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ढक्कन हटा दिए हैं, यही ढक्कन था वहाँ पे, और ये भी हटा दिए हैं। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि सांप वहाँ पे हो सकता है, इसलिए लगभग 1 घंटा लग गया दोस्तों मुझे ये करने में। देखिए अब पानी जा रहा है ना, अब इसमें से पानी पास हो रहा है, इतना सारा ताम झाम किए देखिए, सारे निकाले, उसको रॉड घुसाए, फिर
देखिए रोड में भी निशान लग गया है, रोड के बीचों बीच निशान लग गया है। यही सब ही रोड घुसाए निकाले फिर जाके पाइप जो है क्लियर हुआ। अब आराम से देखिए पानी आ रहा है उधर से और इस रास्ते से होते हुए इधर से उधर जाके निकल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए ये अगले दिन हम नहा चुके हैं और ये हमारे छठ के प्रसाद देखिए अभी तक है, मतलब पका नहीं था, अभी जाके पका है। 2, 4, 6 मतलब दो दो करके 7 लोग खाएंगे, 2 में 2 सोहना के पापा 2 सोहना। चलिए अभी खाते, आप लोग भी ले लीजिए हमारे छठ के प्रसाद, अब जाके पका है। सोहना आ जाओ, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग अच्छा लगा खा लो, अच्छा लगा तो सारा खा लो, लीजिए आप भी ले लीजिए। नहा भी चुके हैं लेकिन सोहना नहीं नहाई है ना, सोहना अभी उठी है, मुंह हाथ धो के पढ़ ली है और अभी सोना स्कूल जाएगी फ्रेश होके ना बेटा। और पापा सुबह से काम कर रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ अंदर, सोना पढ़ रही थी और पापा काम कर रहे हैं, देखते हैं पापा कितने काम किए। क्योंकि टॉयलेट जो हमारा कल ही बन चुका था और वहाँ पे साफ सफाई का काम था तो वो अभी सोना के पापा कर रहे हैं। चलिए बेटा देखते हैं हम पापा क्या कर रहे हैं। हो गया, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। खाली हो गया एकदम से, एकदम खाली कर दिए, पूरा खाली कर दिए। निकाल रहे हैं, खाली कर रहे हैं, इसको सफाई करना होगा, धोना होगा, इसलिए। ये है किसका, किसका है? ओके किरण सूरज निकले चारो, हट के रोज सुहाना गिर जाएगा। आसमान की छत पे है अपनी दुनिया। ये कौन किए, ये भी साफ हो गया है, कौन ढक भी दिए। आप वहाँ पे नहा रही थी, सुहाना को पढ़ा रही थी, तब तक मैंने इसको सफाई भी कर दिया और पानी भी साफ हो गया, पानी अब उधर निकल रहा है। तो हमारे यहाँ बना वो नहीं आ रहा, नल्ला नहीं आ रहा, जब तक ये नल्ला नहीं आ रहा ना हमको मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो पाइप है आप लोग देख सकते हो कितने बार हम ठीक करवाए हैं, फिर से बिगड़ जाता है। अभी फिर बिगड़ गया था तो आज ही सोहाना के पापा ठीक किए और फिर पता नहीं कितने दिन में वो फिर बिगड़ेगा। हम तो सोच रहे बस मेरे को हरानी परेशानी लग जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, कर लेता हूँ, बस हाथों का दर्द है थोड़ा थोड़ा। यहाँ का एक तो सारे ऊपर ले गए हैं और फाइनल दोस्तों हमारे टॉयलेट भी बन के तैयार हो गया है। अंदर में 2 टॉयलेट हो गया, नीचे रहेंगे मतलब जब हम ऊपर चले जाएंगे तो नीचे 2 रहेगा, ऊपर भी 1 रहेगा, बोल हो सके तो बनाएंगे नहीं तो नीचे ही आएंगे ना। हाँ आप ही फेंके होंगे, सफाई किए थे तो हमसे ही आ गया होगा, मैं बोली सुहाना आप ही फेंके होंगे, सुहाना बोली नहीं। चलिए चलते हैं, अभी सुहाना को स्कूल भी भेजना है। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हो दोस्तों क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत छोटा वीडियो है, छोटा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों कल हमारा ना यहाँ पे दिन भर मतलब काम चल रहा था तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए और टॉयलेट भी बन रहा है तो वो अंदर जाते हैं, अंधेरा भी है और टॉयलेट भी मतलब क्या दिखाना, तो इसलिए भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बाकी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम एक स्पेशल रेसिपी आप लोग जो कमेंट किए हैं, स्पेशल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट किए सदार के हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बाय बाय बाय।